हेलो एवरीवन इस वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड अपान स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले हैं इसके पहले हमने आपको क्लासिफिक पॉलीमर में जो है उसका इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन में हो, होमो पॉलीमर को पॉलीमर और सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पर नेचुरल पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं इन सभी के बारे में बताए थे इस वीडियो में डीनियर पॉलीमर स्ट्रक्चर के बेसिस पर जितने भी पॉलीमर होते हैं लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, नेटवर्क आर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर तो सबसे पहले जानेंगे लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं लीनियर पॉलीमर दिस पॉलीमर इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फ्रा टू फार्म लॉन्ग स्टेट चेन कॉल्ड लीनियर पॉलीमर देखिए लीनियर पॉलीमर में जो मोनोमर यूनिट होती है मोनोमर हमने बताया था कि मोनोमर छोटे छोटे जो सिंपल मालिक्यूल होते हैं जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स या पार्ट्स होते हैं वही मोनोमर होते हैं छोटे छोटे सिंपल मालिक्यूल या इस्माल यूनिट जिनसे पॉलीमर बनते हैं आपस में जुड़कर वही मोनोमर monomer या मोनोमेरिक यूनिट कहलाती है वह आपस में जो है जुड़कर एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं देखिए इसमें यस एक एक जो है जीरो है यह आपस में जो है मिलकर ज्वाइंट होकर जो है एक लीनियर पॉलीमर बनाता है आप इसका रियली स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे रहेगा कहने का मतलब जो लीनियर पॉलीमर होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं एक स्टेट चेन बनाते हैं जुड़कर एक स्टेट चेन बनाते हैं लीनियर पॉलीमर कहलाते हैं लीनियर पॉलीमर है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट लीनियर पॉलीमर मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि देखिए यह आपस में एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं स्ट्रेट चेन में जुड़े होने के कारण यह इजीली ब्रेक नहीं होते हैं इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है एंड हाई डेंसिटीज और इनका इंस, डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है एंड हाई टेंसटाइल स्ट्रेंथ और इनकी जो है इस्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम्पल आप देख लीजिए जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखिए आप कुछ पॉलीथीन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होती है और उनका घनत्व तो भी बहुत ज़्यादा होता है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और आप पीवीसी आप देखिए जो पाइप लगी है आपके घरों में पीवीसी वह कितने हार्ड और उस, उसकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है नायलॉन्स पॉलिस्टर ई ब्रांच्ड में ब्रांचड पॉलीमर में देखिए क्या होता है दिच आर पॉलीमर इन विच मोनोमर आर ज्वाइंट टू फार्म लॉन्ग चेन विथ साइड चेन आर ब्रांच्ड आप डिफरेंट लेंथ आर कॉल्ड ब्रांच्ड चेन पॉलीमर देखिए ब्रांचड पॉलीमर में जो है मोनोमर यूनिट आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाती है लेकिन इसमें जो है मोनोमर यूनिट जुड़कर एक साइड चेन भी बनाती है या आप कह सकते हैं कि इसमें मोनोमर यूनिट आपस में ब्रांच बनाती हैं मिलकर देखिए आप ब्रांच निकली है इसमें मतलब ब्रांच जो लीनियर पॉलीमर होता है उसमें मोनोमर यूनिट ज्वाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाती हैं और ब्रांच पॉलीमर में आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन बनाने के साथ साथ साइड चेन भी बनाती है। उसे चेन हैं उसे ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कहते हैं ब्रांच पॉलीमर है लोअर मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटीज एंड डेंसिटीज एंड टेंसटाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर लीनियर लीनियर पालीमर के कंपेयर में ब्रांच पॉलीमर की जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होती है डेंसिटीज कम होती होती है टेंसटाइल स्ट्रेंथ कम होती है एग्जाम्पल जैसे लो डेंसिटी पालीमर पॉलीथीन देखिए आप कुछ पॉलीथिन ऐसी होती हैं जो इजली फट जाती हैं तन के फट जाती हैं और ग्लाइकोजन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन या एमाइलोपेक्टिन आपको ग्लूकोज के चैप्टर में हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में स्टार्च के बारे में ग्लाइकोजन के बारे में जो थर्ड है क्रास लिंक्ड पॉलीमर देखिए इसको क्रास लिंक्ड पॉलीमर या इसी को नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं दिच पालीमर इन बिच मोनोमर यूनिट आर ज्वाइन टू फार्म लीनियर पालीमर पालीमर चेन आर ज्वाइन टूगेदर टू फार्म ए थ्री डायमेंशनल नेटवर्क देखिए इसमें जो मोनोमर यूनिट होती हैं वह ज्वाइन होकर एक लीनियर पालीमर की तरह जो है लॉन्ग चेन बनाती हैं लेकिन यह आपस में जुड़कर कर एक नेटवर्क टाइप या थ्री डायमेंशनल टाइप देखिए आपस में ज्वाइन होकर एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं कहने का मतलब क्रास लिंक्ड पॉलीमर में मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइन होकर एक लीनियर पॉलीमर चेन बनाती हैं वह वह भी आपस में ज्वाइन होकर एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे क्रास लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं इसके एग्जांपल दिस पॉलीमर आर हार्ड एंड रिजिड ब्रिटिल ये पॉलीमर बहुत ज़्यादा हार्ड और रिजिड कठोर होते हैं जैसे एग्जाम्पल बेकेलाइट आप बेकेलाइट देखे होंगे जैसे आपके घर में जो बोर्ड है बटन है देखिए कितने हार्ड होते हैं वह सभी क्या यहाँ बेकेलाइट के बने हुए हैं यूरिया फार्मल पॉलीमर पालीमर मेला माइन फार्मल डियाइड तो इस वीडियो में हमने आपको जो पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पर बताया था नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मालिकुलर फोर्सेस पर बताएंगे कि मालिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं